आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वार्ड नंबर 3 के सगीर मेंबर ने आज वार्ड में शेख रशीद और आसिफ शेख साहबान की जेर सरपरस्ती सगीर मेंबर के फंड से अंसार कॉलोनी हलीमा गार्डन के पास 3 सीमेंट रोड और 1 गडर का काम जारी हुआ। वार्ड की आवाम ने सगीर मेंबर का शुक्रिया अदा किया और आगे भी इनसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं। अरे हमारे काम जो कर रहे हैं उनके तरफ सपोर्ट रहेगा हमारा, हमारे जो काम कर रहे हैं हमारे मेंबर साहब है, हमारे रशीद साहब है, उधर सपोर्ट रहेगा। और हम सगीर मेंबर के साथ भी रहने वाले हैं, मेंबर तो बहुत आएंगे यहाँ पे, हमारा काम उन्होंने करे तो वही कर रहे सब काम। सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ रोड गटर पीने का पानी नहीं था, सगीर मेंबर ने हमारे लिए इतनी सब रोड गटर और नल का पानी का इंतजाम किया। पहली बार रोड बन रही है, 10 साल बाद, और हम लोग यहाँ 22 साल से रह रहे हैं। तो सगीर हम लोग का बच्चा है और वो हम लोग के लिए काम कर रहा है, हम लोग उसी को वोट देंगे और उसका ही साथ देंगे आने वाले इलेक्शन में भी। सब महल्ले वाले हम लोग उनका शुक्रिया अदा करें, पहली बार हमारा रोड बना, गटर भी हो गई, ना तो हम लोग अपने हाथ से गड्ढा फेंकते थे। सारी बदरुन्निसा मोहम्मद हसन बात कर रही हूँ इस वक्त वार्ड नंबर 3 से। यहाँ पर सिर्फ सगीर साहब की मेहरबानी और अल्लाह का फजल करम है कि उन्होंने हमारे लिए हर मुश्किल का साथ दिया, हर परेशानी में हमारे साथ रहे, और उन्होंने हमारे लिए सड़कें बनवाई, गटर की तामीर करवाई, और जब कभी भी हमने उनके पास शिकायत लेकर गई देर या सवेर उन्होंने हमारी शिकायत को दूर किया। और हम यही चाहते हैं कि आइंदा भी अगर इलेक्शन होता है तो हमारे अंसार कॉलोनी के वार्ड नंबर 3 से हमें सगीर साहब ही मेंबर चाहिए, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में हमारी तमाम परेशानियों का हल उनसे हम आसान करा सकें। बहुत सही और बहुत मुखलिस, बहुत हमदर्द मेंबर हैं, ऐसे ही मेंबर की आज मुसलमानों को ज़रूरत है। और अगर ऐसे ही मुखलिस मेंबर हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम तरक्की की राहें तय करेंगे। इतने दिन से हमारा रोड नहीं बन रहा था, सगीर मेंबर के पास एक दफे बोले हमारा रोड बनने लगा, इंशाअल्लाह हम वोट दिए थे और इंशाअल्लाह और उनको देंगे और आइंदा हमेशा उनकी क्या कामयाबी रहेंगी। ऐसा हो सगीर मेंबर जैसा हो, हमारे महल्ले का वो नौजवान लड़का है और उसी को कामयाब करना है, इलेक्शन में जिता के लाना है। अस्सलाम वालेकुम। या मामला ऐसा था कि इस ये महल्ले में ना रोड थी ना गटर थी, आज तक कोई काम नहीं किया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सगीर मेंबर को बोले, सगीर मेंबर ने हमारा काम कर दिया, अब सब तकलीफ दूर हो जाएगी। अभी रोड का काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह, सगीर मेंबर ही करवा रहे हैं। महल्ले के अंदर आज तक जो भी काम हुए सगीर मेंबर ने ही करवाया है, न गार्डन था न रोड थी न गटर थी, सारा काम दौड़ भाग करके मेंबर ने ही करवाया है। और हमको अपने महल्ले का ही मेंबर चाहिए, सगीर मेंबर साहब। दूसरे महल्ले का मेंबर अगर रहता है तो उनके घर चक्कर काटना दौड़न भागी रहती। इसी ताल्लुक से हमने मशवरा किया है कि आइंदा भी मेंबर सगीर मेंबर को ही कामयाब करना है। अपना एरिया जो है अंसार कॉलोनी मस्जिद कुबा, ये वार्ड नंबर 3 अंसार कॉलोनी में काम चालू है और जो ये रोड बन रही है ये पहली टाइम बन रही है, 25-30 साल से आबादी थी लेकिन यह काम नहीं था, लेकिन अल्लाह के करम से इस अंसार कॉलोनी के अंदर आज हर गली बन गई,
रशीद साहब की आशीष साहब की सरपरस्ती में ये काम चालू है और यहाँ के लोगों ने हमें वोट दे के कामयाब किया था और हमने अल्लाह के करम से जो लोगों ने हमें कामयाब किया था हमने भी इनको काम करके दिया है। अंसार कॉलोनी में 20 लाख के फंड से ये 4 गली बन रही है और 2-3 दिन में इंशाल्लाह ये रोड बन के मुकम्मल हो जाएंगी और लोगों को चलने के लिए सहूलत रहेंगी। ये हमारे निधि से जो हम चुन कराए थे ये हमारे फंड से हो रहा है और ये फंड हमारा जो चुन के आए थे वो फंड पहले पड़ा था, ये काम मंजूर था, हमने ये काम अभी चालू किया है और यहाँ के लोग हरदम हमारे पास काम के लिए आते थे। आज अल्लाह करम से अंसार कॉलोनी तमाम रोड बन गई और मैं महल्ले वाले से कहूँगा कि आगे भी इलेक्शन है, आप काम करने वाले को ही चुन कर दे। राष्ट्रवादी पार्टी से हम चुन के आए थे, आप राष्ट्रवादी पार्टी को वोट दे के कामयाब करें। आगे भी पीछे जो हमारा नूर नगर है वहाँ पे भी गटर काम चालू हम कर रहे हैं, अक्सा कॉलोनी के अंदर खान डेज है वहाँ भी काम अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग, 2-3 दिन में इंशाल्लाह वो भी काम चालू हो जाएगा।